friends, I welcome you back to this new lecture of carbon classes. And today in this new lecture we are going to study about the external features of pons, which is also called metencephalon. Pons ko hum pyar se metencephalon bhi kehte hain. So friends, in today's lecture we are going to study about the various attachments, its location and its surfaces. सो बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स में ये देखेंगे, इंटरनल फीचर्स इसके आगे वाले लेक्चर्स होंगे इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द सेक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज फ्रेंड्स दिस गिव्स अस मोर मोटिवेशन टू कंटिन्यू और टू मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू. सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना एक्सटर्नल फीचर ऑफ पॉन्स. सो रिगार्डिंग द एक्सटर्नल फीचर, फर्स्ट सिंपल है कि उसको मेटेंसेफेलॉन कहते हैं एंड वो क्रेनियल नर्व्स की वहाँ पर अटैचमेंट होती है फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ. तो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ कौन कौन सी हो गई फ्रेंड्स? सिंपल से है, ट्राइजेमिनल हो गई, एब्ड्यूसेंट हो गई, फेशियल हो गई और वेस्टिबुलो कॉकलियर मतलब ऑडिटरी. सो ये नर्व्स यहाँ पर अटैच होती हैं. तो ये जो मैंने कलर पोर्शन कर रखा है फ्रेंड्स, दिस इज योर पॉन्स, इसके नीचे मेडुला, उसके ऊपर मिड ब्रेन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे पॉन्स. तो जो मैंने पॉन्स का डायग्राम बना रखा है वो है वेंट्रल सरफेस ऑफ द पॉन्स. सो दिस इज द वेंट्रल सरफेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद द पॉइंट्स रिगार्डिंग द वेंट्रल सरफेस. सो फ्रेंड्स सबसे पहले है, देर आर टू सर्फेसिस, वन इज वेंट्रल, अदर इज डॉर्सल. सो दिस वन इज द वेंट्रल, डॉर्सल इसके पीछे है और वेंट्रल का एंटीरियर कॉन्वेक्स इन बोथ डायरेक्शन, मतलब इन एंटीरियर एस्पेक्ट इट इज कॉन्वेक्स, एज यू कैन सी कॉन्वेक्स बाहर की तरफ निकल रहा है. सो दिस इज कॉन्वेक्स इन बोथ डायरेक्शन. इन द मीडियन प्लेन इट हैज अ बेसिलर सर्कस. सो बेसिलर सर्कस, this sulcus present in between, it is called the basilar sulcus. So it is called basilar sulcus of pons. So next point is, laterally the surface is continuous with the middle cerebral peduncle. तो friends मैंने आपको medulla के lecture में बताया था कि your तीन सेरेब्रल पेडंकल्स होते हैं दैट हेल्प्स टू अटैच द ब्रेन स्टेम विद द सेरिबेलम. सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल, मिडिल सेरेब्रल पेडंकल एंड इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल. तो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल आपका मिड ब्रेन से अटैचमेंट में मदद करता है, मतलब तीन सेरेब्रल पेडंकल्स होते हैं, थ्री सेरिबेलर पेडंकल्स, जो आपका सुपीरियर होता है दैट हेल्प्स इन अटैचमेंट विद द मिड ब्रेन. किसकी अटैचमेंट फ्रेंड्स? सेरिबेलम की. तो सेरिबेलम की अटैचमेंट किससे? मिड ब्रेन से सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कराता है. आपका मिडल पॉन्स को हेल्प करता है आपके सेरिबेलम से अटैच होने में और इन्फीरियर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा को अटैच करने में मदद कराता है. सो दीज आर द थ्री सेरेब्रल पेडंकल्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो इसमें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये है कि मिडल सेरेब्रल पेडंकल हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ पॉन्स टू द सेरिबेलम. सो लेटरली दिस सरफेस इज कंटिन्यूस विद द मिडल सेरेब्रल पेडंकल. तो फ्रेंड्स ये मीडियल, ये लेटरल सरफेस, तो मीडियली कहीं इधर पे there is attachment of or there is the presence of middle cerebral peduncle. Okay friends, now trigeminal nerve is attached at the junction of pons with this peduncle. So this is the trigeminal nerve. So trigeminal nerve is attached at the junction of pons with the peduncle. So this is attached at the junction of pons with the peduncle and trigeminal nerve has two roots. One is motor एंड अदर इज सेंसरी. सो ये जो बड़ी वाली है फ्रेंड्स दैट इज द मोटर रूट एंड छोटी वाली इज द सेंसरी. सो दिस इज द मोटर एंड सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व.
ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज द मोटर एंड सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, द एब्ड्यूसेंट फेशियल एंड वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व्स आर अटैच्ड एट द लोअर बॉर्डर ऑन द वेंट्रल सरफेस एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपकी बाकी की एक नर्व की अटैचमेंट तो मैंने आपको ट्राइजेमिनल दिखा दी, योर रेस्ट थ्री नर्व्स आर अटैच्ड एट द जंक्शन ऑफ योर पॉन्स विद द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो लेट्स सी इट इन द डायग्राम। सो फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये तीन रेस्ट की तीन नर्व्स आर अटैच्ड हेयर एट द जंक्शन ऑफ योर मेडुला विद योर पॉन्स। तो सबसे ऊपर जो आपको दिख रही है, दिस इज द एब्ड्यूसेंट नर्व। कौन सी? एब्ड्यूसेंट नर्व। अब फ्रेंड्स, एब्ड्यूसेंट के बाद जो हमें नर्व, दूसरी नर्व का सेक्शन दिख रहा है, दैट इज योर फेशियल नर्व। सो दिस इज योर फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व के भी टू पार्ट्स हैं, दिस इज योर मोटर एंड दिस इज योर सेंसरी, मोटर एंड सेंसरी रूट। देन फ्रेंड्स, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। सो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व इज दिस, विच यू कैन सी, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो ये तीनों नर्व्स, चारों नर्व्स हो गई, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। देन फ्रेंड्स, डॉर्सल सर्फेस इज हिडन बाय सेरिबेलम एंड इट फॉर्म्स द अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। सो फ्रेंड्स, ये तो पता ही होगा कि डॉर्सल सर्फेस, फोर्थ वेंट्रिकल, ऑल्सो कॉल्ड रोम्बॉइड फोसा। सो द डॉर्सल सर्फेस जो इसके पीछे की तरफ है, दैट इज हिडन मेनली बाय सेरिबेलम एंड इट फॉर्म्स द अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। सो वेन आई विल टीच फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, देन आई विल कवर दिस पॉइंट इन द डायग्राम। अभी तक के लिए बस इतना याद कर लो कि जो अपर हाफ है फ्लो फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर का, जिसको रोम्बॉइड फोसा कहते हैं, वो इज फॉर्म्ड बाय योर पॉन्स। नाउ फ्रेंड्स, इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर बॉर्डर, एक होता है इन्फीरियर बॉर्डर। तो जो सुपीरियर बॉर्डर होता है फ्रेंड्स, दैट इज वेयर क्रस्ट सेरिब्री इज अटैच्ड। इंटरनल सेक्शन में आपको दिख जाएगा क्रस्ट सेरिब्री क्या होता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो सुपीरियर बॉर्डर इज वेयर क्रस्ट सेरिब्री इज अटैच्ड एंड देयर थर्ड एंड फोर्थ नर्व्स आर ऑल्सो सीन। सो थर्ड एंड फोर्थ नर्व फ्रेंड्स, आपकी ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर, ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर नर्व्स आर ऑल्सो सीन। ये तो सुपीरियर बॉर्डर है, ऊपर की तरफ दिखेगा। और इन्फीरियर बॉर्डर पे फ्रेंड्स, आपको सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ नर्व्स दिखेंगी। वो लाइ करता है फ्रेंड्स एट द जंक्शन ऑफ योर पॉन्स एंड मेडुला। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने अपने लेक्चर में वी हैड स्टडीड अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पॉन्स। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरनल फीचर्स ऑफ पॉन्स, इन विच वी विल स्टडी अबाउट द सेक्शंस। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सब्सक्राइबिंग टू कार्बन क्लासेस। हैव अ नाइस डे अहेड।